अच्छा। पिछले 12 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में शामिल बिहार के बांका जिले के मजदूर वीरेंद्र किस्कू के परिवार वाले उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किस्कू की पत्नी सुरंग के बाहर मौजूद है। उन्होंने शुक्रवार सुबह पति से बात की। बांका में वीरेंद्र के पिता और बेटी का कहना है कि पिछले 12 दिनों से वे हर दिन सुन रहे हैं कि वीरेंद्र को बचा लिया जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऐसा जल्द ही होगा। आज लेकर के तो 12 दिन लगभग हो रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन हमको यही सूचना मिल रहा है कि शाम तक या सुबह तक में वो बाहर आ जाएगा, सही सलामत सुरक्षित आ जाएगा। यही धैर्य हमको दिया जा रहा है। पापा उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई है, और हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं कि वो लोग कब तक में निकलेंगे। बहुत दिन हो गए, अभी लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं और अभी तक वे लोग नहीं निकले हैं। वहाँ पर मतलब वो लोग किस हाल में होंगे पता तो है, परंतु उन लोगों को देखे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। मजदूरों के परिवारों ने उम्मीद जताई कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने शुक्रवार को कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बचाव अभियान शुक्रवार शाम तक पूरा हो जाएगा। एनडीआरएफ ने शुक्रवार को रिहर्सल किया कि वो सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तैयार किए जा रहे रास्ते से पहिए वाले स्ट्रेचर कैसे ले जाएगा। एनडीआरएफ का एक कर्मी सुरंग के अंत में रस्सी से बंधे एक पहिए वाले स्ट्रेचर को धकेलते हुए गुजरा और उसे वापस ऊपर खींच लिया गया।